हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। इट इज मी आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश एन जलालाबाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हैबिचुअल एक्शन के बारे में। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो स्वाभाविक कार्य हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, जिसका मतलब हमारे स्वभाव से है, हैबिट से है, उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। अब आपको इसमें अंतर भी करना है, हैबिचुअल एक्शन क्या है, ये प्राणियों के लिए भी होता है, व्यक्ति के लिए भी होता है। जिस तरह मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ आपके सामने, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। जब हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस बनाएंगे हम, उसमें आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, दी या दा जो भी, मतलब दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन का है तो उसमें दी का प्रयोग नहीं होगा, उसमें दूसरी बात है, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरह गोपाल दिन में सोया करता है, गोपाल इज एक्यूस्टम्ड टू स्लीप इन द डे, या अमित प्रतिदिन बाजार जाया करता है, अमित इज एक्यूस्टम्ड टू गो टू मार्केट डेली। अगर हम कहते हैं अमित प्रतिदिन बाजार जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था, अमित गोज टू मार्केट डेली, लेकिन हमने कहा अमित प्रतिदिन बाजार जाया करता है, अमित इज एक्यूस्टम्ड टू गो टू मार्केट डेली। इसी तरह से प्राणी का वाक्य, बैल घास खाया करते हैं, करते हैं, आदत है उन्हें, आदत हैबिचुअल एक्शन है। ऑक्सन ईट ग्रास, इसमें भी दी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए, नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। आपको क्या सीखना है ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, या स्पोकन में, या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। थैंक्स।